तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो बायजू झारखंड वुमेन्स टी20 टूर्नामेंट खेला जा रहा है, इसका भाई आज के दिन का दूसरा मैच और टूर्नामेंट का 16वां मैच जो कि खेला जाएगा रांची रोजेज वुमेन वर्सेज धनबाद डेफोडिल्स वुमेन्स के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को भाई स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट वॉच कर लेना। और अगर आप भाई वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो इजिली भाई आप इस मैच में काफी ज्यादा अच्छी विनिंग करके जाने वाले हो। वीडियो को भाई बिल्कुल एंड तक आपको देखना है और अगर आप वीडियो देख लेते हो तो गारंटी की बात है आप काफी अच्छी विनिंग यहां पर कर लोगे। लेकिन भाई जो भी मेरी फाइनल टीम होगी ना, जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, टॉस की अपडेट, प्लेइंग 11, वो सारी आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इसके अलावा अगर बात करें तो आप डायरेक्ट सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वो आपको कैसे करना है, आप जैसे ही सर्च करोगे @KPM003 तो भाई आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। ये भाई हमारा ओरिजिनल चैनल है और इसी चैनल पर आपको ज्वाइन होना है। इसके अलावा कोई भी आपको चैनल दिखे तो भाई वो फेक होगा, बट आपको सर्च कंप्लीट करना है, ठीक है, @KPM003 आपको सबसे ऊपर हमारा चैनल दिख जाएगा, ठीक है, और यही चैनल हमारा ओरिजिनल चैनल है। अब चलिए भाई यहाँ पर बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की और प्लेयर्स के स्टेट्स की, सारी चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। बात करेंगे मैच के टाइमिंग की तो भाई 12 बजे मैच खेला जाएगा, सॉरी भाई 12:30 पर खेला जाएगा मैच। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ये मिस्टेक कर दी तो हाँ भाई अब ठीक है, 12:30 पर मैच खेला जाएगा। वेन्यू की अगर बात करें तो रांची इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में मैच खेला जाएगा। वेन्यू के रिकॉर्ड्स की बात करें तो भाई 14 मैच खेले गए, 7 मैच बैटिंग फर्स्ट ने विन किए, 7 मैच बैटिंग सेकंड ने विन किए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नजर आ ही गया होगा कि यहाँ पर भाई ज़्यादा कुछ मतलब डिफरेंस नहीं है बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम में, तो टॉस का रोल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, हालांकि फिर भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस जरूर रहेगी। एवरेज स्कोर की बात करें तो भाई 120 से 140 के बीच में आपको एवरेज स्कोर देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें पिच रिपोर्ट की तो आप देख सकते हो यहाँ पर भाई न्यूट्रल विकेट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए बिल्कुल इक्वली हेल्प होने वाली है। साथ ही यहाँ पर जो पेस बॉलर्स हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए रहेंगी। वेदर की बात करें तो क्लियर रहेगा, बारिश के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होने वाले हैं, ठीक है। अगेन मैं आपको याद दिला दूं भाई टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी मैच की जो फाइनल टीम है ना वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, या फिर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो, या फिर वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में भी आपको मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इन तीनों तरीके से आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बात करें अगर रांची वुमेन्स की टीम की तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रियंका समैया की बात करें तो भाई 6 मैच में 150 रन और 4 विकेट, सीवीसी की बेहतरीन दावेदार में से एक रहेगी। यहाँ पर अगर बात करें दूसरी जो अनामिका कुमारी है इनकी बात करें तो भाई 6 मैच में 137 रन, और वहीं अगर बात करें आनंदिता किशोर की तो 6 मैच में 2 विकेट और 58 रन, गजब की प्लेयर है। इसी तक किशोर की बात करें 6 मैच में 56 रन, ये भी आपके लिए ठीक ठाक प्लेयर रहेंगे। इसके अलावा निहारिका प्रसाद, भाई बॉलिंग डिपार्टमेंट अकेले इन्होंने मतलब इतना अच्छा संभाला हुआ है, 5 मैच में 8 विकेट निकाल चुकी है। वहीं अगर बात करें दिव्यानी प्रसाद की तो 3 विकेट इन्होंने भी निकाले 6 मैच में, ये भी आपके लिए ठीक ठाक पिक रहेगी। इसके अलावा नीचे आपको जो भी प्लेयर दिख रहे हैं ना यहाँ पर आनंदिता किशोर, मेघा कुमारी, इनको आप जीएल मिनी जेल में ट्राई करना, ठीक है, उर्मिला कुमारी, लक्ष्मी मुर्मू, इसके अलावा पल्लवी कुमारी, ठीक है, इनको आप जीएल मिनी जेल में ट्राई करना। जो टॉप के 6 है ना इन्हीं को आपको स्मॉल लीग में ट्राई करना, और इसमें से भाई आप ईशा केसरी के ऊपर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो अगर लेना चाहो तो, ठीक है। अब चलिए भाई बात करते हैं जो दूसरी टीम है धनबाद डेफोडिल्स की, तो यहाँ पर भाई जया कुमारी आपको दिखेंगी, 5 मैच में 69 रन है, गजब की प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। पुष्पा मातू की बात करें 5 मैच में 85 रन है, अगेन एक बहुत ही गजब की प्लेयर रहेंगी। वहीं अगर बात करें मोनिका मुर्मू की तो भाई सीवीसी की एक और अच्छी दावेदार आपको यहां से दिख रही होगी, 5 मैच में 88 रन, 5 विकेट। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर सुलेखा कुमारी 5 मैच में 2 विकेट निकाल चुकी है, गजब की प्लेयर ये भी रहेगी। खुशबू कुमारी भी आपके लिए सीवीसी की अच्छी खासी दावेदार रहेगी भाई, 5 मैच में 4 विकेट है, 87 रन है। आरती कुमारी ने भाई यहाँ से बॉलिंग डिपार्टमेंट संभाला हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो जो इन्होंने 5 मैच खेले उन्होंने इसमें भाई इन्होंने मतलब टोटल 8 विकेट निकाल रखे, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी और काफ़ी गजब की प्लेयर ये आपके लिए होने वाली है, ठीक है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर इनके अलावा तो नीलम मेहता आपको दिखेंगी, 2 मैच में 10 रन बनाए। शांति कुमारी दिखेगी, 5 मैच में 3 विकेट है। नेहा कुमारी शो दिखेंगी, 5 मैच में 3 विकेट है। इसके अलावा अंजलि दास ने भी 5 मैच में 3 विकेट निकाल रखे, ठीक है। तो इन सबको आप जीएल मिनी जेल में ट्राई करना, क्योंकि जिसका भी दिन अच्छा होना वो भाई आपको अच्छी खासी विनिंग यहाँ पर करवा के जा सकती है। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं डेमो टीम की।
लेकिन उससे पहले भाई मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, और आप फिर भी ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो भाई आप सच में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और बहुत पीछे हो आप फैंटेसी फील्ड में। टेलीग्राम चैनल भाई ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा आपको फैंटेसी एक्सपर्ट नहीं दिखेगा जो विदाउट टेलीग्राम चैनल के आपको टीम प्रोवाइड करवा सके। क्योंकि देखो टॉस की अपडेट आएगी, प्लेइंग 11 आएगी, इन सभी अपडेट के बाद ही मैं आपको फाइनल टीम प्रोवाइड करवा पाऊंगा। यहाँ पर अगर अभी बात करें डेमो टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन देखो आपको यहाँ पर जया कुमारी दिखेंगी, इसके अलावा भाई यहाँ पर आपको एल मुर्मू दिखेंगी। मेरे हिसाब से भाई यहाँ पर जया कुमारी आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेंगी, एल मुर्मू को आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई करना, ठीक है। यहाँ पर अभी कुछ भी खास परफॉर्मेंस इनकी तरफ से नहीं देखने को मिली है। वहीं अगर बात करें यहाँ से आपको अनामिका कुमारी भाई बैटिंग सेक्शन से काफी गजब की प्लेयर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा भाई पुष्पा महतो की बात करें तो लास्ट मैच में थोड़ी सी खराब परफॉर्मेंस है, इसके अलावा भाई काफी अच्छी प्लेयर आपके लिए होने वाली है। ईशा खेसरी एक डिफरेंशियल पिक आपके लिए यहाँ से हो सकती है, ट्राई आप कर सकते हो, ठीक ठाक प्लेयर है, कभी कभी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे देती है। पहले मैच में आप देखो गजब की परफॉर्मेंस आई थी, उसके बाद भाई लगातार परफॉर्मेंस डाउन होती गई है, लेकिन भाई कभी भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस देके जा सकती है। खुशबू कुमारी की बात करें तो भाई आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर रहेगी, लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, आप देख सकते हो एक भी मैच ऐसा नहीं है जिसमें ड्रीम टीम में आपके लिए नहीं आई हो, तो ये तो आपके लिए भाई काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रही, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। वहीं अगर बात करें यहाँ पर उर्मिला कुमारी की, तो लास्ट के दो मैच में इन्होंने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करेंगे तो मोनिका मुर्मू, आरती कुमारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। वहीं अगर बात करें यहाँ से निहारिका की, तो निहारिका इंपॉर्टेंट रहेंगी, बट अब यहाँ से मैं पी महतो को ड्रॉप करके पी सवैया के साथ जाऊँ, क्योंकि ये भाई हमारे लिए बहुत ही गजब की प्लेयर है और टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर में से एक है, ठीक है। एक मैच को अगर आप निकाल दो तो उसके अलावा हर मैच में भाई काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है, ठीक है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर आप आनंदिता किशोर को ट्राई कर सकते हो, ये भी आपके लिए अच्छी प्लेयर रहेंगी, स्टार्टिंग के तीन मैच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई थी, उसके बाद भाई लगातार परफॉर्मेंस डाउन होती गई है, तो अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, या फिर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर खेल रहे हो जहाँ पर आप पाँच ऑलराउंडर ले सकते हो, तो भाई पर आनंदिता किशोर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, अदरवाइज जीएल मिनी जीएल में तो आप इन्हें ट्राई कर ही सकते हो। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो भाई आपके लिए यहां से सबसे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भाई यहां पर रहेंगे एस कुमारी, गजब की प्लेयर है शांति कुमारी, देखो स्टार्टिंग का मैच छोड़ दो उसके बाद लगातार भाई विकेट निकाल के लेके गई है, ठीक है, आपके लिए एक मस्ट विक प्लेयर रहेंगे। इसके अलावा डी प्रसाद को आप ट्राई कर सकते हो, मेरे हिसाब से गजब की प्लेयर रहेंगे। इसके अलावा भाई जो यहां से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे अनिता तिगा, बीच के दो तीन मैच में भाई खेली नहीं थी, उसके अलावा भाई स्टार्टिंग के मैच में तो आप देखो भाई मतलब कमाल ही तो कर दिया इसने, चार ओवर डाले, तीन विकेट इन्होंने निकाले थे और तीनों भाई एलपीडब्ल्यू और मतलब या फिर बोल्ड मार के निकाले थे, यानी कि भाई एक विकेट के 25 पॉइंट मिलते उनकी जगह भाई 33 पॉइंट मिले थे इन्हें। वहीं अगर बात करें तो आप यहां से देखो अगर आप चाहो तो अनिशा तिगा को ट्राई कर सकते हो, इसके अलावा आपके लिए दो ऑप्शन हो रहे हैं यहां पर, एन शव का अच्छा खासा ऑप्शन दिखेगा और ए दास का, बट भाई यहां से अगर बात करें तो मैं ऐसे भाई अभी के लिए एन शव के साथ जाना चाहूंगा, बाकी अगर आप चाहो तो ए दास के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। सी वीसी की बात करेंगे तो कैप्टन भाई हमारे पी सवैया रहेगी, वीसी की बात करें तो एम मुर्मू हमारी वीसी रहेंगी, इसके अलावा निहारिका भाई गजब की प्लेयर है, आप चाहो तो इन्हें भी सीवीसी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए भाई बात करें तो आप निहारिका के साथ जा सकते हो, बट भाई मैं यहाँ से नहीं जा रहा हूँ, मैं भाई अगेन आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ से भाई जा रहा हूँ अभी के लिए पी सवैया को, क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों ऑप्शन हमें प्रोवाइड करवाएगी। आरती कुमारी भाई लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, आपके लिए गजब की प्लेयर रहेगी, आप इसे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप जीएल खेल रहे हो ना तो वहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो जो ये चार प्लेयर है ना, इन चारों प्लेयर को आप एक दूसरे से रोटेट कर करके सीवीसी बना दीजिएगा, टीम आप यही रखिएगा, एक दो चेंजेस अगर कुछ करने पड़े तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, वो काम आप करके और इजीली भाई आप बहुत ही बेहतरीन विनिंग यहाँ से करके जा सकते हो। कैसे करके जाओगे वो भी आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ से आरती कुमारी है, ये आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, ठीक है, नो डाउट मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे। इसके अलावा भाई यहाँ पर पी सवैया आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर है, चारों ऐसी है जो मतलब अकेले दम पर मैच पलट सकते हो, तो आप इन्हें रोटेट करोगे तो भाई 12 टीम आपकी बनेगी और 12 टीम से आपकी जीएल इजिली आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आएगी नहीं ना तो टॉप 10 में या टॉप 20 में आप जीएल में जरूर आ जाओगे, और मेरे हिसाब से इतना इनफ होता है किसी भी एक मैच में आपके लिए काफी अच्छी विनिंग करने के लिए। अब चलिए भाई बात कर रहे थे, यहां पर एक बार टीम मैं सेव कर देता हूं, उसके बाद एक बार फिर से आपको फाइनल प्रीव्यू दिखा देता हूं। तो ये भाई ऑलमोस्ट मेरी फाइनल टीम है, बाकी अगर इसमें कुछ भी चेंजमेंट मेरे को करना हुआ या कुछ भी चेंजमेंट होगा तो उसकी अपडेट सीधा सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। सर्च आपको क्या करना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, KPM003 आप जैसे डालोगे आपको हमारा चैनल यहां पर टॉप पर दिख जाएगा, 5.6 के या फिर 5.5 के आसपास आपको हमारे यहां पर फैमिली मेंबर देखने को मिलेंगे और आप भी हमारी फैमिली का पार्ट बन सकते हो। आईपीएल में मैंने आपको 8 मैच में से भाई 5 मैच विन करवाए, 3 मैच हमारे एवरेज गए, तो ऐसे मैचेस भी जाते भाई जो एवरेज रहते, लेकिन भाई ये नहीं कि कोई भी झूठ का पाठ आपको पढ़ा दूं मैं कि आप ना भाई सभी मैच हमारे अल्ट्रा क्लीनशिप गए, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा।
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टीम के साथ आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर 5 ऑलराउंडर ले सकते हो। वहाँ पर भाई आपके लिए मैंने आपको एक ऑलराउंडर बताया था, नाम भाई दिमाग से स्लिप हो गया, तो यहाँ से भाई एक किशोरानंद था, किशोर आपके लिए बहुत ही गजब की प्लेयर रहेंगे। ठीक है, तो ये भाई अभी के लिए मेरी टीम, बाकी मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।